कुरान क्यों देता है? अगर नेकी बुराई साफ करनी है, कुछ करवानी है, कुरान क्यों देता है? छोटा मासूम क्यों देता है? बात उससे अल्लाह की बारगाह एक सवाल है, जिनको नेकियां करा के जन्नत भेज रहे उसका इनाम क्या है, जिनको बुराइयां करके जहन्नम भेज रहे ये तो जुर्म क्या है? फिर जन्नत का फायदा नहीं, जहन्नम का फायदा नहीं है। लिहाजा अमल का इख्तियार कि अल्लाह ने अपने बंदे को तफवीज फरमाए, लेकिन इसके नाल नाल कोई भी अमल बंदा करे अमल के वास्ते तौफीक खुदा लंदी का होना जरूरी है। क्योंकि उसकी तौफीक ना होवे उसे दिता उसी मैं अल कलाम इजुनल कलाम गल जो गल आ गई उसे दिता उसी कुछ लोग इस दुनिया के होते बड़े ईमानदार होते बड़े खुशहाल होते बड़ी रेल फेल होती नौकर चाकर होते उन्होंने दुनिया की कई तकलीफ नहीं होती सजदा करें तो उन्होंने कदम ने बिठा ये क्या वजह है? इन्हें देखो अल्लाह का बहुत करम हो गया जी अल्लाह का इन्हें करम हो गया ना अल्लाह आता है मैं जदर चाहना ना वेदा मेरा बंदा हाथ तो गुजर गया मैं सजदे की तौफीक वापस ले लेता खैर दुनिया है अमल का घर इतने जेड़ा अमल करना है हारे क्यामत दे वो इंसान दे सामने पेश हो रहे क्यों इस अमल नो लिखन वाले हैं क्यामन कादमी जड़ी अल्लाह की मासूम मखलूक है जिस तरह सिफत कुरान में अल्लाह ने इन बयान फरमाई के ला यासून अल्लाह व यफअलून मा युमरून वो कभी अल्लाह की मासीयत नहीं करेंगे वो जो अल्लाह है वो उन्हें करेंगे बिल्कुल उसी तरह करेंगे मैं कभी कभी याद आना मैं ये किरामन का नहीं लिखा ना ले कोई पाकिस्तान का पटवार खाता नहीं जो चार पैसे दे के रिकार्ड बदल वैसे हाँ नाराज तो नहीं होंगे पटवारी साहब मान कहते हैं नाराज नहीं होना मैं तो समझावन बस ये कभी रिकार्ड तब्दील नहीं होता इस दुनिया के तो जो अमल नेक है तो नेकियां बुरा है तो बुराइयां त्यार क्या मते अमल ने इख्तियार खत्म हो सी इसे वास्ते फरमाया फमैया अमल मिसकाल जर्रत खैर यरा फमैया अमल मिसकाल जर्रत शर यरा कोई जर्र बराबर नेकी करे सी वो भी नेक सी कोई बुराई करे सी वो भी नेक सी एक जड़ी दुनिया से तुसा बैठा है भाई गड़िया बंदे काश कमान की तो होवे ते बीजू कबा जमाई होवे बीजवार दसे पे होवे ते बीजू बाजरा निकल खड़ा होवे नहीं जेड़ी शय जमीन में काश करे दे वो हा निकलती है कि हर कयामत दे आज नेकी है नी तो उठा नेकिया बुराई है नी तो उठे बुराइयां होवे इसे वास्ते अल्लाह का पाक कलाम है अम्मा मन सकलत मवाजीनहु फहुवा फी ईशत राजिया जेड़े उस दिहाड़े इन लोगों के अमल का वजन भारी हो सी वो अपने मन पसंद जिंदगी जो सी मन पसंद जिंदगी का तर्जमा करा जा बराद नहीं कहे मन पसंद जिंदगी को बराद है अल्लाह प्यार है कल तो सब मेरी मर्जी आज जिंदगी गुजरने दे रहे हो आज मेरी बार का है कहा गए हो कल मेरी मर्जी आई आज तो हर की मर्जी क्या उसी सलवार परसों बुलंद हुआ बहुत ही
ਚੱਲੇ ਰਾਜ਼ੀਆ ਮਨ ਪਸੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਲਸ਼ ਪਛ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾਦਾ ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰੋਬੇ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾਦਾ ਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਆਦਾ ਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕਾਇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ
मेरी जन्नत पक्की है, लेकिन अल्लाह आता है इन्हें चेक करो, अगर इन्हां दे दिलां दे विच आज जमीन बराबर नहीं, आसमान बराबर नहीं, सितारे बराबर नहीं, चंद बराबर नहीं, सूरज बराबर नहीं, अगर इन्हां दे दिल विच अनी दा बोल एक जर्रा भी है तो अमल समय जहन्नम नहीं। जहन्नम दा ईंधन बना छो तो दो शर्त है सारे सतन लिल्ला मोहब्बत है अहले बैत अगर हो सी तो अमल भारी हो सी। ये दो शर्त अगर पाइया में दिया तो नमक कुरान भी में घड़ी गया। अगर ये दो शर्त पाइया में दिया तो फिर दूसरा कि मैं कानून में बद किरदारी की दावत भी न हो गया। अगर ये दो शर्त पाइया में दिया तो कोई खाली न बने हा, कोई मुशरिक न बने हा, कोई मुफक्कस है तो कोई नुसैरी ना बने हा। अगर ये दो शर्त होंदिया लेकिन इतने कीता ये जा रहे मोहब्बत अहले बैत दे साहिब तैनो वाली बनाया जा रहा है, तैनो मुशरिक बनाया जा रहा है। लेकिन मोहब्बत अली जिस के सर के तैन में उम्मीद है जो असा निजात पानी वो अली खुद पे फरमे दे हालक फी शासान ने मुहिब वाले को मैं वो जो वाले लफ पड़े। अगर इस तो भी कोई शब्द होता तो मैं इस्तेमाल करे ना मौला फरमाए दे मनहूस है वो बंदा जेड़ा मैं अली को मेरे मकाम तो बता दे तो उस तो भी बड़ा मनहूस है वो जेड़ा अली को अली के मर्तबे तो बता दे। फरमाया मैं अली की मोहब्बत मोहब्बत ना अगर निजात चाहिए ना खाली मार ना मुकसर मार हो वो दिया मोहब्बत जी में मैं अली का था घर बह के खड़े हुए पत्थियां अपनी सब कुछ अपना तिथि में चल चाहना उन्हें करें दे। लेकिन उम्मीद अली को लोग इस गल में कुछ शक नहीं अल्लाह की कायनात है अली के सफी कोई नहीं, लेकिन इस गल को जहन में रखिए अली को अल्लाह आदिल भी कोई नहीं। अली अदालत भी अल्लाह तआला सलामत रखे इस दीन पे कदर कीते करो। ये दीन सब का नहीं बचा इस पे बहुत खर्च हो रहा है ज्यादा जे बड़ छोड़े तो सुन छोड़े यकीन है सुबह दी मदरे शुरू हुए बहुत सारे अल्फाज तोड़े खिदमत में पेश कीते गए हो से लेकिन मैं दो लफ्जों से पूरा पेश कर रहे ना भाई हुसैन कितनी कुर्बानियां दे दी अल्लाह ने दीन पे कभी जवान बचड़े कभी नादान कभी मेहमान ये हर का नाम पेश करेंगे रहे हुसैन। लेकिन इस काफ़िले हुसैन की दो फौजी ऐसे जेड़े करबला को लेके शाम ताई हुसैन की मजलूमी के गवाह है वो हम तो में कौन वो तुम्हें हम जनाब रुबाब की छोली इस पर ना डाले एक सकीना एक असगर। लेकिन अगला जुमला प्यार का जब यह खान जब तवज्जो नहीं की थी वहां की तवज्जो हो गई से हाँ विशाल तो छोटे हुसैन के लश्कर जहां सब तो ही छोटे जहां भी इसे बात की घोलते पल्ले हो अरमान ही हो असगर का गला जालिम के दिल तो छोटा सकीना का चेहरा पे हया दे हद तो छोटा जब तीर मारे असगर नो उस एकदम भारी तीर मरया मैं किने पड़ा शायद मैं उसे समझा लवा जब असगर नो तीर मारे उस इन करके मारया तारी खा दी अगर हुसैन नमाज न होवे आज इते तीर वने हा असगर नाल परवाज करे हा अल्लाह अकबर। ये दो हस्तियां पहचान का सब बड़ी बाजार के दरबार खाबे दा जना लोग ने निकाह होया अली दी अखियां ते उसले भी दुख का लग रहा लेकिन बिल्कुल सुर जना निकाह होया ना छोटी कह जाते
ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇ ਆ ਜਾ ਸਰਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਬਰ ਲੜਿਆ ਉਸ ਅਬਾਸ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਸ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਸ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਪਵੇ ਨਾ ਸਰਨ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਲਈ ਆਈ ਇਸ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਬਾਣੀ ਲਵਾਂ بہت بڑے مفکر بھی ہیں وہ بہت بڑے مبلغ بھی ہیں بہت بڑے مقرر بھی ہیں انہیں چند جملے پڑھے کہ چار چیزاں ایسی ہیں جن ادب سکینہ تے نبی دی زخمی تھی دی شباہت ہے اور کیڑی چیزاں پہلی پہلی اتنی عمر دی چیز ہے فرمایا جویں نبی دی تھی خالی ولی آئی انہیں کربلا تو لے کے شام تائیں ہر موڑ دی آدھی آئیے پانی دیو میرے بھرا دل زنجیر گرم ہو گئے او ظالم آکھے نہ کیوں مل دیو آکھے میں اپنا بس نہیں مگدی بندی اس بس دیا دھوپ دے پہ کر میرا سجا میں تھوڑا جیا پانی سا دینی آم میرے پھر آج زندیر چھتے ہوئے سے میں چار کچھ کے رو گیا دوسری شباہت آل الحکت کی میں سکینہ خالی ولی ہے انہیں زہرہ جی میں زہرہ خالی ولی ہے سکینہ خالی ولی ہے دوسری شباہت جی سن سکتے ہو دبرنا اللہ کو آیا نام آتے ہیں زہرہ آوے جھڑکا دھلے دی رہی ہے اگر چھوٹے بچے نو کوئی چڑھاوے او کتے ویندے ماں ماں تو ویندے چلے جھڑکا دے دے آ بھج کے ماں تو ویندے آ ماں دے ہاتھ مضبوط میں چاہتا عبادت مکمل کر کے جاوا جتنا ہمت ہے شاید حسین دی سے دھیلی مصیبت حسد کے کوئی ہمت آ گئی تو میں پڑھنا پہلی شبات عادل زہرا خالی ولی حسین دی دھیلی خالی ولی زہرا بھی جھٹکا دھلے دی رہی ہے سکینہ بھی جھٹکا دھلے دی رہی ہے اگلا لفظ کے پڑھا دے نبی دی ڈھیلیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں سکینہ نے بابا سکینہ دا پہلو بھی ٹوٹ گیا ہائے میں پڑھ چھوڑے میں سن چھوڑے سکینہ دا پہلو بھی ٹوٹ گیا ہائے ایک کے سے دس اللہ گوائے جدا شام کا زندان آئی رات دبیلا ہائی خواب جمعی سین بابا مل لے کہ یہ جلدی نال اٹھی دی ہوئی اٹھے آئی ہے جتے بھوپی زینا بسٹی ہوئی آئی بھوپی کے ساتھ ہاتھ رکھے جلدی نال اٹھی آدھی کون آج ناما سجا میں سکینہ آمد موقع جلال پہ سنے نہ سکینہ کیوں جا گئے رو گیا دی بھوپی امنا ہونے تا جتے تائیں میرا بابا آیا ودا آئی بابا ہون کے گئے اللہ دعا ہے سکینہ درونہ آیا دا شان جلدہ دو دیوار
ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ